आइए आज मिलवाते हैं अपने घर में एक नए सदस्य से आपको। ये आप देख पा रहे हों शायद, ये मैना का बच्चा है जो हमारे घर में अनायास ही आया है। बताते हैं इसके बारे में कुछ आपको। आज मैं छत पे सुबह सुबह जब गई, जनरली सुबह जाती भी नहीं हूँ क्योंकि कॉलेज जाना रहता है तो टाइम भी नहीं रहता है, लेकिन आज चूँकि कबीर जयंती की छुट्टी थी तो हम सुबह सुबह छत पे पहुँचे। छत पे कुछ देर बैठे तो देखा, जब मैं छत पे ही पहुँची तो देखा एक कौवा एक अंडा लेके उसको फोड़ के खा रहा है छत पे रख के। ख़राब बहुत लगा, लेकिन फिर लगा खा ही रहा है, कहीं से उठा के लाया है। तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र उस पर गई, मैंने देखा कि अंडे को चोंच में लेके उड़ा। लेकिन फिर मैं अपने चूँकि योगा कर रही थी तो थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई और देखा कि उस कौवा तो उड़ गया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, वो अंडा उसने हमारे गमले में गिरा दिया। थोड़ी देर बाद मैं जब गमलों में पानी देने के लिए गई तो देखती हूँ कि गमले में एक अंडा पड़ा है जो फूटा हुआ है। मुझे लगा कि डिस्ट्रॉय हो गया होगा, पर जब मैं उस अंडे को देखी तो उसमें हलचल हो रही थी, सांस चल रही थी उसकी। उस सांस चलते हुए अंडे को देखकर मुझे लगा क्या ये बच सकता है। आधा फूटा, थोड़ा सा फूटा हुआ अंडा था, हल्का लग रहा था जैसे ब्लड भी हो। मैंने उस गमले को उठा के पहले छाया में रखा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जीवित है तो फिर मैंने किसी तरह हाथ में पॉलिथीन लगा के कुछ करके उसको एक कटोरी में रख के मैं उसे नीचे अपने रूम में ले आई। तब तक अंडा फूटा नहीं था, रूम में ले आई। आप देख रहे होंगे वीडियो में अंडे में हलचल हो रही है, अंडा आधा फूटा हुआ है। धीरे धीरे ये अंडा मैंने रख दिया, बेटे को दिखाया तो बेटा चूँकि क्यूरियोसिटी के कारण, मेरा 7 साल का बच्चा है, वो बार बार उसको देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि मम्मा अंडा फूट गया है, बच्चा उसमें से बाहर आ गया। मैंने उस अंडे को के छिलके जो थे उसे हटाया, साफ किया, और चूँकि मुझे जानकारी नहीं थी कि इसको कैसे क्या सरवाइव करें तो भगवान के ऊपर छोड़ते हुए मैंने इसको रुई के फहा से दूध की कुछ बूंदें दी और दिन भर आज मैंने वही 2-4 बार दिया। अभी तक तो ये बच्चा जिंदा है। आप सब प्रार्थना कीजिएगा कि ये बच्चा सरवाइव कर जाए, बच जाए, तो मैं इसे पंख होते ही उड़ने के लिए इसको इसका आसमान दे दूंगी। लेकिन ये बच जाए, चूँकि इसको कैसे पालना है, इसको क्या खिलाना है, इतना छोटा है, आंखें बंद हैं, समझ में नहीं आता कि इसको कैसे पाला जाए, इसकी माँ इसे कैसे पालती है, हमें ये जानकारी नहीं है। ये मैना का बच्चा है ये तो पता चल गया, पर इसका पालन पोषण मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि ये बच जाए। धन्यवाद। देखिए पास से देखिए इसको।